आयुर्वेदा होम केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ असरदार घरेलू उपाय। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि थायराइड की समस्या आजकल एक गंभीर समस्या बनी हुई है। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड दो तरह का होता है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। थायराइड में वजन अचानक से बढ़ जाता है या कभी अचानक से कम हो जाता है। इस रोग में काफ़ी दिक्कत होती है। थायराइड होने के कारण कई हो सकते हैं, इनमें से मुख्य कारण तनाव स्तर का बढ़ना या किसी दवाई का साइड इफेक्ट या फिर परिवार में किसी को पहले से ही थायराइड होना हो सकते हैं। थायराइड का एक रामबाण उपचार है लाल प्याज। ये उपचार रात को सोने से पहले करना है। एक लाल प्याज लेकर उसको दो हिस्सों में काट लें और गर्दन पर थायराइड ग्लैंड के आसपास गोल गोल मसाज करें। मसाज करने के बाद गर्दन को धोए नहीं, रात भर इसे ऐसे ही छोड़ दें और प्याज का रस अपना काम करता रहेगा। इसको निरंतर 15 दिन से 3 महीने तक करें। हाइपरथायराइड से उत्पन्न कंपन, घबराहट और अनिद्रा जैसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में शंख पुष्पी काफ़ी कारगर साबित होता है। यह ग्रंथि के स्राव को संतुलित मात्रा में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शंख पुष्पी पंचांग को सुखाकर चूर्ण या क्वाथ के रूप में अथवा ताजा अवस्था में स्वरस या कल्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलो इनकी सेवन की मात्रा भी आपको बता दें। शंख पुष्पी पंचांग चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। शंख पुष्पी स्वरस 20 से 45 मिलीलीटर दिन में 2 या 3 बार लें। शंख पुष्पी कलक 10 से 20 ग्राम दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। हाइपोथायराइड में महिलाओं में तेजी से वजन बढ़ता है, ऐसे मरीजों के लिए काली मिर्च एक रामबाण उपाय है। काली मिर्च में पिपेराइन नामक रसायन खूब पाया जाता है। यह रसायन कमाल का फैट बर्नर है। सिर्फ 7 काली मिर्च कुचलकर 15 दिन तक रोज खा लें। काली मिर्च कूटकर किसी भी तरह, चाहे सलाद पर डालकर, चाहे दाल या सब्जी में डालकर, चाहे नींबू पानी में या शरबत में मिलाकर खाएं। 15 दिन में सकारात्मक परिणाम आना तय है। इसके प्रभाव को तमाम आधुनिक शोध परिणामों के जरिए परफेक्ट माना गया है। थायराइड कंट्रोल करने के लिए अन्य असरदार उपचार हैं हल्दी दूध। आप रोज़ाना दूध में हल्दी को पकाकर पिएं। लौकी का जूस, रोज़ाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से भी थायराइड ख़त्म करने में मदद मिलती है। और हाँ, जूस पीने के आधे घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं। तुलसी और एलोवेरा, 2 चम्मच तुलसी के रस में 1/2 चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करना भी इस बीमारी से छुटकारा पाने का उत्तम उपाय है। हरा धनिया, हरा धनिया पीसकर चटनी बनाएं और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चटनी घोलकर पिएं। इस उपाय को जब भी करें ताजी चटनी बनाकर ही सेवन करें। इस उपाय को नियमित रूप और सही तरीके से करने पर थायराइड कंट्रोल में रहेगा। बादाम और अखरोट का सेवन भी थायराइड के इलाज में फायदा करता है। इससे गले की सूजन से भी आराम मिलता है। हाइपोथायराइड में यह उपाय ज़्यादा फायदा करता है। रात को सोते वक्त 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करें और रोज़ाना 1/2 घंटा एक्सरसाइज करें। इससे थायराइड बढ़ता नहीं है और कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे बताए गए नुस्खे अच्छे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।